देंगे और ये सीनियर निकल के पवार देंगे, अब भयानक जहां निकलेंगे। ले फिर आ गए। जय हिंद। हम हैं संतोष यादव। आज एक बहुत बड़ा जो मिथ है, झूठ बोल बोल के लोगों को पका दिया जा रहा है कि सारे तुम छोटे हो जाओगे अगर अब इन्हें जिम करने लगोगे। अगर 12 साल का बच्चा कोई जिम में घुस गया तो लोग उसको डांट भगा देते हैं, और 18 साल से कम हो तो डांटते रहते हैं, तुम लंबाई कम हो जाएगी, साले लंबाई बढ़ेगी, नाटे हो जाओगे। और किस चीज से कहते हैं लोग? संतोष भाई, गांव में बहुत ज्यादा अफवाह रहता है, जैसे कि कोई सर पे बोझा रख लिया उसको भी कहते हैं अरे ज्यादा वजन ना उठा, मोड़े पे ना रखे, नहीं तो लंबाई नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, ज्यादा मेहनत नहीं करने देते। ये कुछ लोग तो महाझंड ज्ञानी आ जाते हैं, वो कहते हैं दौड़ने से भी लंबाई रुक रही है। दौड़ने से भी बहुत। अब आगे चल तुम ये कह दो कि चलने से लंबाई रुक रही है, खाने से लंबाई रुक रही है, सोने से, हगने से, मूतने से लंबाई रुक रही है, तो मर जाए तब बढ़ेगी क्या? ये चीजें आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जिम करने की सही एज क्या है और लंबाई रुकती है क्या, इस सब चीजों से इसी के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, अगर आप 12 से ज्यादा हो तो आप अगर जिम में जाओगे तो जिम आप कोई ऐसी चीज तो है नहीं हथौड़ा कि आपको ऐसे मार मार के लंबाई आपका दाब देगा, रोक देगा। लंबाई का अलग कनेक्शन है, लंबाई का मसल से कोई कनेक्शन, लंबाई कनेक्शन है आपके ब्लड से, आपके डीएनए से, वो अलग लक्षण है, वो आता जाता रहता है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो मतलब कि बहुत छोटे मजबूरी होती है उनकी, लेकिन अच्छे फुट के हैं, मजदूरी करते हैं बचपन से, फिर भी छः फुट के हैं, एक एक से गजड़ी है जो गाजा पी के लोटे रहते हैं बचपन से, ये फिर भी वो उनकी लंबाई 6 फुट है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं, जिम पे आते हैं भैया, अगर बच्चा 12 साल 13 साल का लड़का 18 साल से कम हो जिम जाएगा तो ये थोड़ी जाए कि मुझे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, ये सोच के आपको जाना ही चाहिए। अभी तो आप स्टार्ट किए हो, अभी आप मतलब कि बिगिनर्स हो, तो आपका काम क्या होना चाहिए? फिटनेस। सही बात। फिटनेस के साथ साथ भैया स्ट्रेंथ और स्टेमिना, थोड़ी ताकत आ जाए, थोड़ी पावर आ जाए और थोड़ा स्टेमिना आ जाए। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें थके ना काम को कर लें। आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी बॉडी बनाएंगे और ये सीनियर निकल के पवार देंगे, अब भयानक जहां निकलेंगे लोग देखा, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अगर 18 साल से कम उम्र है तुम्हारी तो अगर तुम जिम में जा रहे हो तो अपना यही गोल लेके जाना, मुझे अपने आप को एकदम फुर्तीला बनाना है, लचीला बनाना है, ताकतवर बनाना है और स्टेमिना मेरी भर होनी चाहिए। लोग कहें हाँ यार किसका लड़का है साला, बहुत फड़फड़ा रहा है, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप देखेंगे आपके हाइट पे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा, ये इनहेंस होगा आपकी, जब जो हाइट है वो ज़्यादा, जो टाइम लगता है ज़्यादा, वो पहले ना जाएगी क्योंकि आपने इतना मेहनत कर दिया, नेचुरली आपका जो हार्मोन्स है वो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात आती है कि जिम करने से लंबाई रुकती कब है? रुकती है गलत तरीके की ट्रेनिंग। आप अभी जिम में गए हो, आप अपने फिटनेस में नहीं ध्यान दे रहे हो, दुनिया को देख रहे हो वो बॉडी बिल्डर है और उसकी एज है 18 प्लस, और वो बड़ा बड़ा डोला बनाया, आप आड़ा बाड़ा में पड़ जाते हो, हाँ कहीं कुछ उल्टा सीधा वो बता दिया आप यूज करने लगे, और ओवर ज़्यादा माने लंबा हैवी वेट, लंबा भारी वेट, ये आप शरीर को मौका ही नहीं दे रहे हो ग्रो करने का। अगर आप ओवर हेड ज़्यादा प्रेस करोगे, बहुत ज़्यादा हैवी वेट का प्रयास करोगे ना, तब हो सकता है कि आपकी हाइट रुक जाए। नहीं तो भैया अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो, बाइसेप मारो, बैक मारो, ट्राइसेप मारो, कुछ भी करो नॉर्मल वेट से जो आपको फिट रख सके, आपको फुर्तीला बना सके, आपको स्टेमिना दे सके, पुशअप्स, पुलअप्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज ज़्यादा ध्यान दो। पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, स्क्वाट हो गया, अलग अलग तरीके के पुशअप सीखो, अलग अलग तरीके की जंपिंग वगैरह सीखो, अलग अलग वेरिएशन सीखो, दबा के कुछ अपना स्किल सीखो ताकि जब कहीं भी कुछ करने लगो लोग कहें हाँ ये तो कलाकार आदमी आ गया है। और आपकी एज क्या है और दूसरे के एज से आप कंपेयर करोगे तो भैया आपको दिक्कत होगी, सच्चाई है। तो जब भी आपके 12 से ऊपर हो और 18 से कम हो, जिम में घुस जाओ लेकिन स्टेमिना, स्ट्रेंथ और फुर्ती के लिए जाओ तुम, ठीक है ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए जाओ। कभी भी ज़्यादा ज़्यादा वेट उठा के ओवरहेड नहीं करना चाहिए, इससे चांस होता है लंबाई रुकने की कि अरे मारो धड़ाक। कोई भी ओवर एक्सरसाइज नहीं, बिगनर्स की एक्सरसाइज फॉलो करो, आप अपने आप को समझो ना, पहले सीखो, सीख जाओगे आपका टाइम आएगा जिस समय आप फाड़ोगे। अब जब कुछ दिन आप करोगे, हाइट अभी कम है तो आपको समझ में आएगा कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है कि एक फिट इंसान बनना है, और अगर मैं पहलवान बनना चाहूँगा तो मैं पहलवानी वाली ट्रेनिंग करूँगा, एथलीट बनना चाहूँगा एथलीट वाली ट्रेनिंग करूँगा, रनिंग करना अगर मुझे रनर बनना है तो रनिंग वाली ट्रेनिंग करूँगा, तो आपको उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले जब जा रहे हो बिगनर्स की ट्रेनिंग करो, फिटनेस पे ध्यान दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, जिम करने की सही एज क्या है? ये कोई कन्फर्म नहीं लिखा है, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि 12 से कम ना हो, और मतलब 13-14 साल में आप जिम स्टार्ट कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा जिम आपको जाना ही चाहिए, आप घर पे करो, स्किल सीखो, और वो आपकी हेल्प करेगा स्ट्रेंथ बढ़ाने में, स्टेमिना बढ़ाने में, पावर बढ़ाने में, फुर्तीला बनाने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद।